उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन राज सलाहकार बोर्ड की बैठक आज समस्त अधिकारियों के साथ संपन्न हुई है। अनेकों ऐसे विषय जिन्हें पिछली बैठक में बोर्ड के माध्यम से उठाया गया था, उन सभी विषयों को, समस्याओं को एजेंडे पर समस्त अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई है। अग्रिम कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो दिव्यांगजनों के हित में किए जाने अपेक्षित हैं, निर्देशित किया गया है। और आज इस बात का संतोष भी है, प्रसन्नता भी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रचलित हैं, उन सभी पर हमारे प्रदेश के सभी विभाग गंभीरता से काम करते हुए राज सलाहकार बोर्ड के सुझाव और बिंदुओं पर अपना सकारात्मक काम कर रहे हैं। जहां जहां पर समस्याएं अवगत होती हैं सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के माध्यम से या हमारे अधिकारियों के माध्यम से, उन समस्याओं पर हम संज्ञान लेते हैं और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिव्यांगजन को शासन से मिलने वाली सुविधाएं सुगमता के साथ प्राप्त हो, हर दिव्यांग सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। संतोष है कि सरकार और बोर्ड के निर्देश पर दिव्यांगजनों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही है। जहाँ जहाँ पे कठिनाइयों का संज्ञान होता है, उन कठिनाइयों को भी हम अधिकारी स्तर पर बात करके उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज सलाहकार बोर्ड की बैठक में आज बहुत ही सकारात्मक दिव्यांगजनों के हित कल्याण को लेकर चर्चा हुई है। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में हमारे विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक भरण पोषण की राशि निर्गत की जाती है। 3,000 रुपये प्रतिमाह जो कुष्ठ अवस्था से पीड़ित हमारे दिव्यांगजन उनको दी जाती है। 10,000 रुपये तक के कृत्रिम अंग भी हमारे विभाग से दिए जाने की व्यवस्था है। दुकान निर्माण के लिए और दुकान संचालन के लिए करीब से 10,000-20,000 रुपये की धनराशि हम लोग देते हैं। लिए हमारे विभाग के माध्यम से 6,00,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। यानी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जो सुविधाएं दी जानी अनुमन्य है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में, लेके बचपन डे केयर सेंटर से यानी 3 साल से 7 साल के बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन तक दिव्यांगजनों को हमारे विभाग के माध्यम से निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। खेल प्रतिभा के लिए हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत ही उच्च मानकों के साथ स्टेडियम्स हैं, खेल के मैदान हैं, उस दिशा में भी हमारा प्रयास लगातार रहता है। समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालयों के माध्यम से हम दिव्यांगजनों के मिडिल और हायर एजुकेशन का प्रबंध करते हैं। कुल मिलाकर दिव्यांगजनों के बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक पेंशन की सभी योजनाओं को हमारे विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता के साथ संचालित किया जाए। सर, अंतिम सवाल है।